हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है, जन भाई का कमेंट पढ़ लीजिए। भाई ने बोला है कि इरशाद भाई, कबूतरों की टुकड़ी किस तरीके से बनाया जाए, टुकड़ी बनाने का तरीका बताएं। ठीक है भाई, आज टुकड़ी बनाने के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। भाइयों, जैसे कि आज की वीडियो हमारी टुकड़ी के टॉपिक पर है कि टुकड़ी किस तरीके से बनाई जाए, तो भाइयों सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। आपको जो टुकड़ी चलानी है, एक अच्छी टुकड़ी चलाने के लिए, एक बढ़िया तरीके से जो टुकड़ी चलती है, वो टुकड़ी चलती किन कबूतरों की है? देखिए, अगर आपके पास मद्रासी कबूतर है, ठीक है भाई, तो उसमें छोटे बड़े कबूतर ना हों। कोशिश ये करें कि सब एक साथ के से हों। ठीक है, बच्चे हैं आपके पास दो कली, तीन कली के, चार कली के, यही बच्चे हों। बड़ा कबूतर अगर इनमें ऐड करोगे तो बच्चे अलग चलने लगेंगे और बड़े अलग चलने लगेंगे आपके। ठीक है भाई, तो कोशिश ये करें सबसे पहले कि एक साथ के बच्चे हों बराबर के से। उनमें एक आध कबूतर समझदार सा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और टुकड़ी जो बनाने का तरीका है, देखिए, उड़ाने से पहले कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे आपको टुकड़ी के लिए। वो रूल क्या फॉलो करने पड़ेंगे आपको भाई? आपके पास एक धूप जाल होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, धूप जाल किस तरीके का होना चाहिए? कोई भी धूप जाल हो जिसके अंदर आप जो कबूतर टुकड़ी में उड़ाना चाहते हैं वो उसके अंदर अच्छे से आ जाए। ठीक भाई, उसी धूप जाल के अंदर सभी बच्चों को एक साथ धूप लगाएं और एक ही साथ उन्हें दाना दें, एक ही साथ उन्हें बंद करें। यानी कि एक ही साथ रखें कबूतरों को, बिल्कुल धूप जाल में भी एक साथ रखें और अंदर भी एक साथ बंद करें। ठीक, और उसके बाद क्या करना है आपको भाइयों? जब आप उड़ाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको बच्चे अपने हिलाने हैं भाई, गर्दान करने हैं। जब आपके बच्चे हिल जाए तो आप क्या करेंगे, सब कबूतरों को एक साथ ना उड़ा के आप एक एक दो दो कबूतर उसमें ऐड करेंगे। ठीक है भाई, आप उसमें मान लीजिए, आपने मान लो एक बड़ा कबूतर अपना उड़ाया, उसके पीछे आपने एक बच्चा छोड़ दिया, वो उसके साथ चला। ठीक है, फिर दो बच्चे उसके पीछे से एक और बच्चा छोड़ा, इसी तरीके से एक एक बच्चा ऐड करते चले जाएंगे। धूप एक साथ लगानी है, धूप जाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। धूप जाल किस तरीके का होना चाहिए ये देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई, ये सामने धूप जाल जो रखे हैं, ये टुकड़ी के लिए रखे हैं। ठीक है, ये दो जाल रख रखे हैं मैंने, 3x3 के, और एक में मैं नर डाल देता हूँ, एक में मादा डाल देता हूँ, जो उड़ान में चलते हैं टुकड़ी वाले, तो वो इसी तरीके से मैं बनाता हूँ। इसमें आपके पास भी ऐसे धूप जाल होने चाहिए। ठीक है भाई, अगर किसी भाई के पास नहीं है तो वो परचेस कर सकता है हमारे पास से, क्योंकि ये भी अवेलेबल है हमारे पास, मिल जाएंगे आपको धूप जाल। साइज आप कोई भी लेना चाहो वो साइज मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए आते हैं बैक। तो भाइयों, इसके अंदर आप क्या करेंगे, धूप जाल में जब कबूतर एक साथ रखेंगे और एक एक कबूतर करके आप उड़ाएंगे साथ में, ठीक है, वो एक दूसरे को पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। बच्चे बच्चे लगाएं, एक कली, दो कली, तीन कली, चार कली, पांच कली तक का भी बच्चा आप लगा सकते हो टुकड़ी जो बना रहे हो आपने। ठीक है, और एक एक दो दो दिन जब उड़ाओगे उन्हें आप, वो ऑटोमेटिकली जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई भाई एक ही साथ उड़ाना चाहता है सबको, आपके हिले हुए कबूतर हैं, तो भाई उनके लिए देखिए पानी भी बनता है टुकड़ी का। अगर आप वो पानी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पानी को भी शो करूँगा आपके साथ इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उस पानी के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। और भाइयों, बस मैंने आपको ये चीज़ बताई है, कबूतर को एक साथ चुगाएँ। और एक छोटा सा मैं आपको नुक्ता शेयर कर देता हूँ टुकड़ी के लिए। आप क्या करेंगे, बासी रोटी ले लेंगे रात की, ठीक है, उसे अच्छे से रोटी को चूर लेंगे, जैसे रोटी के बोरे लगाते हैं ना, रोटी खिलाते हैं कबूतरों के लिए,
देसी घी लगा के खिलाते हैं, उसी तरीके से रोटी चूर लेंगे, उसमें देसी घी ना खिला के आप क्या करेंगे, मावा आता है ठीक है भाई, थोड़ा सा मावा ले लेंगे करीब करीब, अगर आपके पास 20 कबूतर हैं तो 20 कबूतरों में आप मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं 50 से 100 ग्राम के बीच में मावा ले लो और उसे रोटी में अच्छे से मिलाओ और सब कबूतरों को एक साथ रख दो, उड़ने वाले कबूतरों को जो टुकड़ी में चलानी है आपको उन्हें वो मावा खिलाओ, दो तीन दिन खिलाओगे आप इंशाल्लाह देखो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा निकलने, ठीक है भाई। तो भाइयों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।